एसकेपी 7 न्यूज शिवहर। शिवहर जिले के पिपराधी कमरौली में एक डकैती की घटना को एसपी ने किया उद्भेदन। कुख्यात अपराधी दरभंगी सहनी 3 सहयोगियों के साथ गिरफ्तार। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एसपी संतोष कुमार ने बताया कि पिछले दिनों कुछ डकैतों ने पिपराड़ी गांव में सुरेंद्र साह के घर में लूट की घटना को अंजाम दिया था। इस लूट की घटना को उद्भेदन के लिए अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया था। टीम ने गिरफ्तार अपराधियों के पास से लूट के जेवरात, कैश और मोबाइल भी बरामद किए। गिरफ्तार अपराधियों में दरभंगी सहनी पर 11 डकैती का मामला दर्ज है। निरहुआ रिक्शावाला के साथ मिलकर घटना को अंजाम दिया गया था। मौके पर एसडीपीओ राकेश कुमार, इंस्पेक्टर अशोक कुमार राय, पिपराही थानाध्यक्ष अवधेश कुमार भी मौजूद थे। शिवहर से कन्हैया कुमार की रिपोर्ट। पिपराही थाना अंतर्गत कमरौली ग्राम में एक डकैती की घटना हुई थी। और डकैती उसमें एक जो वादी हैं सुरेंद्र साह, उनके घर के में हुई थी। और उन्होंने बताया कि उनके घर में से कैश और जेवरात की डकैती हुई थी और उसमें करीब 8 से 10 अपराधकर्मी शामिल थे। इस घटना के उद्भेदन के लिए हम लोगों ने विशेष टीम अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के नेतृत्व में बनाया। उसमें हमारे जिले के अच्छे पुलिस पदाधिकारी को लगा करके मात्र 48 घंटे के अंदर इस कांड का सफल उद्भेदन करने के साथ साथ इसमें शामिल 3 अपराधकर्मी को गिरफ्तार कर लिया गया है, जो कि सातिर अपराधी हैं और उनका एक लंबा चौड़ा आपराधिक इतिहास है। इसके साथ साथ घटना में जो भी लूटी गई जो भी सामान थे, जेवरात थे और जो कैश था, उसे भी बरामद किया गया है। बाकी जो अपराधकर्मी थे उनके बारे में भी हम लोगों ने पता लगा लिया है और उनके गिरफ्तारी के लिए भी लगातार छापेमारी की जा रही है। इसमें एक दरभंगी सहनी है जो कि साधु के वेशभूषा में रहते हैं, परंतु इनका जो मुख्य पेशा है वो डकैती करना ही है। और इन पर अभी तक जो हमारे पास आपराधिक साक्ष्य है, आपराधिक घटना के संबंध में आपराधिक इतिहास, वो 11 कांडों का है और उसमें लगभग सभी कांड डकैती के ही हैं और कुछ कांड आम सेट के हैं। इस तरह का ये सातिर है और इसमें जो है ये पूर्वी चंपारण के हैं। इनका नाम है दरभंगी सहनी, थाना पता है पूर्वी चंपारण। इसके साथ सीतामढ़ी जिले का भी अपराधी है आलमगीर उर्फ माइकल, इसका भी आपराधिक इतिहास है। रघुवीर पासवान सुरगाही का है, जो हमारे तरियानी थाना का है। और साथ ही साथ इसमें अन्य जो भी लोग शामिल हैं उनके बारे में पता लगा लिया गया है। जो मुख्य बरामदगी हमारी हुई है वो चांदी का एक ब्रासलेट है। चांदी का कुल 11 अदद छोटा लॉक है, सोना का हनुमानी लॉकेट, चांदी का 4 जोड़ा पायल और उसके जो प्रयुक्त उसने चाकू भी एक प्रयुक्त किया था, वो एक मोबाइल और नगद रुपये बरामद हुए हैं। और बाकी भी इसमें अब तक कार्रवाई की जा रही है।